बिटिया मेरे लिए दो रोटी घर से ला दो, बहुत भूख लगा है, आज मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है। इतना सुनते ही वो बच्ची कहती है, अम्मा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे तो दो दिन से खाना नहीं मिला है। इतना कहते ही वो बच्ची रोने लगती है। चुप हो जाओ बिटिया, तुम रो मत, मैंने तो बस दो रोटी मांगा था, और तुम दो दिन से खाना क्यों नहीं खाई हो बिटिया? अम्मा मैं इस गांव की रहने वाली नहीं हूँ, मेरा घर तो रामनगर में था। मेरे मम्मी पापा अब दुनिया में नहीं रहे, और मेरे वो दूर के जो चाचा थे उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों ये है नितिन और शिखा, पायल के मम्मी पापा। आप विनय पे कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रहे हैं, इस जमाने में इतना विश्वास करना भी ठीक नहीं। नितिन अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के बल पे एक अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया था। बिजनेस में विनय और नितिन दोनों आधे आधे के पार्टनरशिप थे। विनय की आदत को देखते हुए शिखा उससे कई बार बोली थी कि मुझे उसकी नेचर अच्छी नहीं लगती, लेकिन नितिन उस पर ध्यान नहीं देता। ये था विनय, इसकी आदत थी कि एक रुपये को पाँच रुपया कब बनाऊं, बस यही सोचता रहता था। आज विनय कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी में था, दुकान में गया तो किसी का पता नहीं था, तभी नितिन आता है। नितिन भाई आप फाइल देखो और तुरंत दुकान से निकल जाओ। नितिन सोचते हुए फाइल लेता है, लेकिन वो जब देखता है कि उसकी दुकान और संपत्ति सारी धोखे से विनय अपने नाम करा लिया है। विनय तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इतना धोखा मत करो, ऊपर वाले से डरो विनय। इतना कहते ही वो अपने हाथ को सीने पे रखता है और कराहते हुए जमीन पे गिर जाता है। विनय जल्दी से फाइल छुपाता है और जाकर शिखा को बुला लाता है। आप उठिए ना, आपको क्या हो गया? इतना कहते ही शिखा भी गिर जाती है। फिर क्या था, पायल माँ बाप के बीच में बैठी रोती रही, क्योंकि सूरज के रहते रहते उसके जीवन में अंधेरा छा गया था, वो अनाथ हो चुकी थी। अम्मा उसके बाद वो अंकल मुझे यहाँ लाकर छोड़कर चले गए। उसकी बात सुनकर यमुना बाई का रूह कांप जाता है और वह पायल को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। बेटी ये है छोटा सा मेरा कमरा, जहाँ मैं मिट्टी के बर्तनों को बनाती हूँ और बेचती हूँ। दो दिन से बारिश होने के कारण मैं बेचने नहीं जा पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि किसी घर से दो रोटी मांग के लाऊं और पेट की आग बुझा लूं। अब तुम रोना बंद करो बेटी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तूने मुझे अम्मा कहा है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी यहाँ अकेली ही रहती हूँ, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, और कल से तू मेरे साथ मटका बेचने बाजार चलेगी। दूसरे दिन दोनों मटका बेचने जाती है, ऐसे ही उनका अब रोज चलता रहता है, पेट भरने लायक पैसा रोज मिल ही जाता है। कुछ दिनों बाद जमुना बाई एक दिन, बेटी अगले सप्ताह पूर्णिमा का मेला लग रहा है, हम बहुत सारे मटके बनाएंगे और उसमें बेचने जाएंगे, हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तू मेरा मदद करना, उस तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और बहुत सारी मिठाई भी खरीद दूंगी। अगले सप्ताह दोनों अपना सामान लगाकर बैठ जाए। मटके ले लो, हांडी ले लो, मिट्टी के अच्छे अच्छे बर्तन ले लो। उन दोनों के सामने ही खड़े होकर एक औरत इधर उधर देख रही थी। अरे नंदिनी इधर उधर क्या देख रही हो, क्या देख गया तुम्हें? अरे आप पहले वहाँ तो देखिए, हमारी नेहा मिल गई और देखिए किस हालत में बैठी है, क्या कर रही। उसको देखते ही रमेश वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है, अरे बेटी नेहा यहाँ क्या कर रही हो तुम, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, 2 साल हो गया हमसे तुमको बिछड़े हुए। आंटी कब से नेहा आपके पास है, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आप नेहा को सुरक्षित रखी है, आप जो चाहोगी वो हम देंगे आपको। इतना कुछ सुनने के बाद जमुना बाई बोलती है, अरे साहब आप लोग बड़े लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं हम गरीबों की, ये मेरी बच्ची है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यह सब सुनते ही पायल डर जाती है और बोलती है, अम्मा ये कौन लोग हैं, मैं नहीं जाऊंगी इन लोगों के साथ आपको छोड़ के, अम्मा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं जहाँ जाऊंगी आपके साथ ही जाऊंगी अम्मा। फिर नंदिनी कहती है, आंटी नेहा मेरी बेटी है और आप माँ जैसी हैं, आप दोनों मेरे साथ चलिए, मेरे पास धन दौलत बहुत है, लेकिन
जब से नेहा गुम हुई तब से मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो धन दौलत सब बेकार की है। साहब, हम एक ही शर्त पे आपके पास चलेंगे कि हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम वहाँ से दोनों चले आएंगे, फिर आप हम दोनों को रोकेंगे नहीं। उन दोनों की सारी शर्तें मानकर वो अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं। बेटी, ये कमरा तुम दोनों के लिए है, तुम और तुम्हारी अम्मा दोनों इसमें रहना। पायल को घर बहुत अच्छा लगता है, फिर वो बोलती, आंटी मुझे तो आपका घर बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात मैं कहूँगी, मेरा नाम पायल है, मेरे माँ बाप कोई और थे, भले मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ, इसलिए आप मुझे पायल ही कहिए। उसके बाद नंदिनी कहती है कि हाँ बेटा, तुम जो कहोगी उसी नाम से मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम मेरी हो तो नेहा ही। अब वो परिवार की तरह रहने लगते हैं, चारों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, रहते हैं। वो पायल को बहुत प्यार करती है, पायल को तो एक पूरा परिवार ही मिल गया था, माँ पापा दादी, बहुत खुश थी वो। अब वह एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी करती थी। समय बीतते देर कहाँ लगती है, अब अगले महीने पायल 18 साल की होने वाली थी। एक दिन पायल, मम्मी अगर हमें आप नहीं मिली होती तो मेरा क्या हाल हुआ होता, मैं सोच के डर जाती हूँ। बेटी, भगवान जो भी करते हैं हमारे सोच से अच्छा बुरा होता है, लेकिन वो जो करते हैं वो इंसान के लिए अच्छा ही करते हैं, और तुम्हें तो अपने भोलेनाथ पे हमेशा भरोसा होना चाहिए। बेटी, तुम जैसे भोलेनाथ का नाम हर वक्त जपती रहती हो, तुम जपती रहो, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, उन्हीं की कृपा से तो सब है। अगले दिन नंदिनी और रमेश दोनों अम्मा के पास बैठकर, अम्मा आप पायल को मत बताना, हम और रमेश दोनों जा रहे हैं पायल के गांव, वहां देखें कि उसके माँ बाप की संपत्ति का क्या हाल है, हम उसके बर्थडे पे वो गिफ्ट देंगे जो उसके माँ बाप का सपना था। जब वहां पहुंचते हैं तो, अरे नंदिनी, यहां दुकान की जगह तो सुपर मार्केट बन गया है, चलो देखते हैं। वो भाई साहब आ रहे हैं, उनसे पूछे विनय कहाँ मिलेगा। भाई साहब, इस मार्केट का मालिक कहाँ मिलेगा मुझे। वह आदमी विनय का पड़ोसी था, फिर वो अपने साथ लेकर इन दोनों को जाता है विनय के घर। जब दोनों विनय के घर पहुँचते हैं, उनको देख के विनय पूछता है कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। हम पायल के माता पिता हैं, जन्म देने वाले माता पिता को आपने मार डाला, लेकिन वर्तमान के माता पिता हम हैं, और हम आपको वो सजा दिलाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना सुनते ही विनय, हाँ आप लोग ठीक ही कह रहे हैं, 12 साल से तो सजा काट रहा हूँ, तब भी ये सजा कम ही है। उस बच्ची के साथ मैंने जो गलती किया है, एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर कट गए, मेरे दोनों हाथ ऐसे टूट गए कि काम नहीं करते हैं, 12 साल से बिस्तर पे पड़ा हूँ, और यही सोच रहा हूँ कि आज नहीं तो कल जरूर आएगी वो लड़की। भाई साहब, पायल कहाँ है, आप उसको मेरे सामने लाइए, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। फिर रमेश बोलता है, आपने जो किया वो गलती नहीं वो गुनाह था, और इसकी सजा इतनी कम नहीं होती है, आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, और कल हम पायल को लेकर यहाँ आएंगे। अगले दिन, पापा हम लोग तैयार हो गए, लेकिन प्लीज पापा बताइए ना, मेरा बर्थडे मनाने किस जगह जा रहे हैं, बस पापा जगह का नाम बता दीजिए। पायल बहुत जिद करती है, लेकिन रमेश कुछ नहीं बताता। फिर वह चारों गाड़ी से निकल जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद रमेश कहता है, पायल ये है तुम्हारा सरप्राइज, देखो तुम्हारे मम्मी पापा अभी भी तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा कमरा है। वह अपने मम्मी पापा के कमरे को देखकर बहुत भावुक हो जाती है, और दीवार पे लगी तस्वीरें तो उसको बहुत कुछ याद दिलाती है। फिर वह रोते हुए बोलती है, पापा ये सब आपने कैसे किया, और वो विनय अंकल कहाँ है। मम्मी पापा, आप दोनों एक अनाथ के दामन में पूरी संसार की खुशियाँ दे दी। उसके बाद पायल मम्मी और अम्मा के पास जाकर, अम्मा आप और मम्मी मेरे जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है। तभी विनय की आवाज आती है, फिर पायल विनय के पास जाती है। बेटी, मेरे गुनाहों की माफी तो नहीं हो सकती, लेकिन एक बार तुम कह दो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। विनय ने जो किया था उसके लिए माफी का कोई मतलब ही नहीं। पायल बिना कुछ बोले अम्मा को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। बेटी, आज के दिन नहीं रोते हैं, आज का दिन तो तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल दिन। तभी उसके मम्मी पापा केक लेकर आते हैं, और पापा बोलते हैं, बेटी यह फाइल पकड़ो और इसमें देखो तुम्हारे पापा का सपना। तुम्हारे पापा का सपना था ना कि तुम्हारे नाम का बड़ा सा मॉल बने,
आज वो स्मार्ट बाजार मैं तुम्हारे नाम से करवा के आ रहा हूँ। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है पायल बेटा। इस तरह एक अनाथ के जीवन में सारी खुशियाँ मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ा है।